गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर नंबर 128 और आज का टॉपिक है इम्पोटेंसी। दोस्तों, इम्पोटेंसी जो है वो मेल सेक्सुअल हेल्थ में आता है और जो है बहुत सारे मर्द जो है वो इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। इसमें जो है वैसे तो डेफिनेशन यही है इसकी कि जो आपका इरेक्शन है वो ना हो पाए और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर पाए, मतलब आपका लिंग जो है उसमें सतपन ना आ पाए, उसकी वजह से आप संभोग ना कर पाए। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट या फिर मनी का पतला होना, है ना। तो इसमें मैं आज तीन नहीं, मैं आज आपको पांच दवाएं बताऊंगा। इन दवाओं का अगर आप सेवन करते हैं ढंग से तो आपको जो है काफी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, दो दवाएं जो पहले की हैं वो बेसिकली एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इम्पोटेंसी के लिए हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। एक दवा है जिंको बाइलोबा क्यू और दूसरी है न्यूफर क्यू। इन दोनों को आपको मॉर्निंग में लेना है, जिंको बाइलोवा की 10 ड्रॉप्स और न्यूफर की 5 ड्रॉप्स। ये 1 घंटे के गैप से ले सकते हैं आप, हाफ कप वाटर में। और दूसरा जो सेट है वो आप इवनिंग में लेंगे, ट्राइबुलस टेरा जो है वो ये क्यू में, इसकी 10 ड्रॉप्स आप इवनिंग में, और दामियाना क्यू जो है इसकी भी 10 ड्रॉप्स आप इवनिंग में लेंगे। इनको भी 1 घंटे के गैप से ले सकते हैं। लेनी सारी दवाएं हाफ कप वाटर में। इसके अलावा जो है याद रखिए, लाइकोपोडियम वनम जो है ये आप संडे संडे 2 हफ्ते में एक बार जरूर लें, उस दिन आप बाकी दवाएं ना लें, 5 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में। अगर इनका सेवन आप करते रहते हैं